राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन महीने से शुरू किए जाने वाले 16 सोमवार के व्रत की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, अमरपुर नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार का व्रत कर शिव जी की पूजा करता था। संध्या के समय शिव के आगे घी का दीपक जलाता था और भोग लगाता था। उसकी भक्ति देख माँ पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है, कृपया करके इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। तब भगवान शिव ने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण साहूकार के भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। तो शिव भगवान ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। ऐसे ही इंसान जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। लेकिन माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, आपको इसका एक दुख दूर करना ही पड़ेगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको संतान प्राप्ति का वरदान भी दिया। उसके साथ ही उसको यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्पायु होगा और उसकी जो आयु होगी वह 16 साल की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ लेकिन चिंतित भी हुआ। उसने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। पुत्र के अल्पायु होने की बात जानकर साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने सोमवार का व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अमर रखा गया। अब अमर 11 साल का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा दीपचंद के साथ, जो उसका लड़के का मामा था दीपचंद, उसके साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए शीघ्र ही काशी जी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा कि जब भी तुम रात्रि विश्राम के लिए कहीं भी रुको, वहीं यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाना। यात्रा करते हुए अमर और दीपचंद एक राज्य में पहुंचे जहाँ की राजकुमारी का विवाह था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वह एक आंख से काणा था। यह बात किसी को पता ना चले इसलिए उस राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती करी। अमर ने विनती स्वीकार करते हुए राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। लेकिन जब विदाई होने लगी तब अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बता दी कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जो तुम्हारी विदाई होगी वह राजकुमार एक आंख से काना है। तब अमर ने चंद्रिका ने ये सारी बातें अपने पिता राजा साहब को बताई तो राजा ने उसकी विदाई करने से इनकार कर दिया। और उधर हुए दोनों मामा भांजे जो चंद्रिका को छोड़कर काशी जी के लिए चले गए। अब वो काशी जी चले गए, जब राजकुमार 16 बरस का हुआ तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया। जो अमर था साहूकार का बेटा, 16 साल का हुआ तो उसके मामा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न और वस्त्र दान किए। उसी रात निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। अब अमर के मामा दीपचंद जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। उनके मामा के विलाप करने की आवाज सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे भगवान, कोई बहुत दुखिया है जो इस तरीके से विलाप कर रहा है, हमें उसका दुख दूर करना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि यह वही साहूकार का बालक है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। अब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, इसका पिता 16 वर्षों से सोमवार व्रत करते हुए
आपको भोग लगाता है। कृपया कर इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन दान का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने नगर की ओर वापस लौट चले। जब रास्ते में वही नगर आया जिसमें अमर का विवाह हुआ था, तो वहाँ के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह जानते थे कि 16 वर्ष की आयु के बाद उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित थी। इसी कारण वे बड़े दुखी और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंचा, तो अमर को अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ देखकर राजकुमारी और अमर को देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी है। दोस्तों, इस तरह भाग्य में नहीं लिखे होने पर भी सोमवार के व्रत के प्रभाव से साहूकार को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसा सुख साहूकार और साहूकारनी को दिया, ऐसा ही सुख कहानी कहने वाले और सुनने वाले को भी देना। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।